ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमय और डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपी हैं अनदेखी और अनजानी शक्तियां। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। ये कहानी असम के तहसील के आठियाबाड़ी गांव की है। नवंबर का महीना, इस बार ऊपरी इलाके में बर्फ जल्दी पड़ने की वजह से ठंडी हवा और कोहरे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले रखा था। हरिदेव जो एक किसान था, उस रात फसल की रखवाली के लिए अपने खेत में ही रुक गया। खेत गांव के बड़े तालाब से लगे होने के कारण तालाब का काफी पानी खेत में उतर आया था, जिसको सुबह से पहले बाहर ना निकाला जाए सारी फसल बर्बाद हो जानी निश्चित थी। रात का खूब अंधेरा और तालाब के पास ही लगे पीपल के बड़े बड़े पेड़ पूरे माहौल को और भी डरावना बना रहे। रह रहकर पेड़ों की पत्तियों से टकरा कर गुजरती हवा और पास की कहीं सियार के रोने की आवाज हरिदेव के शरीर में सिरहन दे जाती। इन सब चीजों को नजरअंदाज कर थोड़ा आराम करने के लिए ज्यों ही हरिदेव अपनी खाट पे बैठा, तभी उसके मवेशी जो उससे थोड़ी ही दूर पर बंधे थे उनकी आवाजें आने लगी, मानो किसी चीज से डर के वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। हरिदेव तुरंत अपने लालटेन में उठा उस तरफ दौड़ा। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर खेत में फुस आया है, पर जब हरिदेव ने देखा कि सब ठीक है तो वापस अपनी खाट की तरफ हो लिया। लालटेन की रोशनी में जैसे ही उसकी नजर अपनी खाट पर पड़ी, वो जहां था वहीं जड़ हो गया। खाट पर एक सुंदर औरत उसकी तरफ फीट करके बैठी थी। इतनी रात और ठंड में किसी अनजान औरत को देख सर से लेकर पांव तक हरिदेव कांपने लगा। उसने रात में भटकती चुड़ैल और डायनों के किस्से सुन रखे थे। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर हरिदेव ने हकलाते हो बोला, कौन है तुम? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख हरिदेव ने अपनी आवाज में थोड़ी कड़ाई लाते हुए लगभग चीखते हो कहा, कौन हो तुम? इतनी रात में मेरे खेत में क्या कर रही हो? जवाब दो वरना इसी लालटेन में तुमको चला दूंगा। हरिदेव का इतना कहना था कि वह औरत खाट से उठ खड़ी हुई और बेहद डरावनी आवाज में मुस्कुराने लगी और अचानक से बिना पलटे ही हरिदेव की तरफ दौड़ी। जैसे हरिदेव अपनी लालटेन छोड़ उल्टे बाव ही खेतों की तरफ भागा। हेतु की मेड़ बिफास वो आंखें बंद कर कर बैठ गया और घबराहट में ही भगवान को याद करने लगा। बुजुर्गों से सुनी सारी वो कहानियां और किस्से आज हरिदेव के लिए हकीकत बनकर सामने थे। कुछ 10 मिनट बीत गए, हरिदेव सांस रोके वहीं दुबक कर बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा और आसपास उल्लू और जंगली जानवरों की दिन दहलाने वाली आवाजें आ रही। उसे फिर से उसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज मानो हर तरफ से आ रही हो। उधर हरिदेव के मवेशी तो डर से शोर कर रहे थे। इसी डर में भगवान को याद करते हरिदेव को याद आया कि उसके खेत से कुछ 200 मीटर दूर ही उसके गांव की कुल देवी का मंदिर। अगर वो किसी तरह उस मंदिर तक पहुंच जाए तो शायद उसकी आज जान बच पाएगी।
हरिदेव ने हिम्मत करके पेट के बल ही लेटे लेटे फसलों के बीच अपने खेत से बाहर निकलना शुरू किया। कुछ 10 मीटर का ये फासला पूरा हुआ होगा कि हरिदेव का गला किसी ने पीछे से पकड़ा और उसे एक ही झटके में हवा से उछाल दिया। उसकी चीख निकल गई और किस्मत अच्छी थी कि वो जाके भूसे के ढेर पे जा गिरा, जिससे उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हरिदेव लड़खड़ाते हुए उठा और पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागा। पीछे से वही हंसी उसे सुनाई दे रही थी और साथ ही वह टायन फोड़े जा रही थी। आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। हरिदेव मंदिर की तरफ बेताहाशा भागा और किसी तरह मंदिर पहुंच सीधा माता के गर्भगृह में जाके बैठ गया और सारी रात वहीं बैठा रहा। सारी रात उस चुड़ैल की वही हंसी और आवाज सुनाई दे रही थी, आओ मेरे पास आओ। मंदिर की वजह से वो डायन उसके अंदर ना जा सकी। पूरी रात इसी में बीत गई और सुबह की पहली किरण के साथ हरिदेव डरते डरते बाहर आया और तेजी से अपने घर को चल दिया। घर पहुंचने के साथ उसने उसके साथ घटी इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और सीधा अपने कमरे में जाके सो गया। कुछ दिन ही गुजर गए, हरिदेव ने अपने खेत पर जाना भी छोड़ दिया। उसे रोज एक ही सपना आता जहां वही चुड़ैल उसको दूर खड़ी अपने हाथों के इशारों से अपने पास बुला रही है और हंसते हुए कहती है, आओ मेरे पास आओ आओ मेरे पास। सपने में हरिदेव उस चुड़ैल से दूर भागने की बेतहाशा कोशिश करता, लेकिन वो चुड़ैल उसको गर्दन से पकड़ हवा में उछाल देती। इतनी देर में हरिदेव की आंखें खुल जाती और वो पसीने से लथपथ डरा सहमा अपने आप को अपने कमरे में पाता। कई बार उसकी पत्नी काकू ने उससे पूछा कि नींद में तुम क्या क्या बड़बड़ाते हो और आजकल इतने डरे डरे क्यों रहते हो, तुम खेत पर भी नहीं जाते, आज तुमको सब सच बताना पड़ेगा, तुमको मेरी कसम। हरिदेव ने उस रात अपने साथ घटी सारी बात अपनी पति काकू को बता दी। काकू ने जब ये सब सुना तो जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुन हरिदेव की माँ कमरे में भागते हुए आई और काकू ने रोते हुए उनको सारी बात बता दी। हरिदेव की माँ घर में बने मंदिर में गई और मंदिर से थोड़ी बबूत लार के पहले हरिदेव के माथे और फिर पूरे घर में छिड़क। उसके बाद हरिदेव की माँ ने काकू से उसके और हरिदेव के 2 दिनों के कपड़े और रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान बांध देने के लिए कहा। वह कल सुबह ही कामाख्या देवी के मंदिर के लिए जाएंगे। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक। कामाख्या शक्ति पीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अखोरी और तांत्रिक और बड़ा माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्ति पीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वह परमात्मा एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहां वैसे 2 साल भर ही भक्तों का तांता लगता रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, कोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल और मनासा देवी पूजा का इस मंदिर में अलग ही महत्व है। ताप से कामाख्या देवी कुछ 145 किलोमीटर दूर ही था, लेकिन पहाड़ी रास्ते होने की वजह से वहां पहुंचने में पूरे 5 से 6 घंटे लगते हैं। सुबह होते ही हरिदेव अपनी माँ के साथ कामाख्या देवी के लिए निकल गया। लगभग
दोपहर के 1 बजे वे दोनों मंदिर पहुंच गए। मरिये की माँ ने बिना समय गवाए उसको मंदिर में कामाख्या माँ के दर्शन करवाए और मंदिर के पुजारी बाबा से हरिदेव के साथ घटी सारी घटना सुना दी। पुजारी बाबा ने उन्हें 1 घंटे बाद मंदिर के पीछे अपनी आवाज जो एक छोटा सा कमरा था वहीं मिलने को कहा। पुजारी बाबा के कहे अनुसार 1 घंटे बाद दोनों उनके कमरों के सामने खड़े और उनका इंतजार कर रहे थे। पुजारी बाबा ने दोनों को वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा दिया और अपने कमरे में चले गए। कुछ 2-3 मिनट बाद पुजारी बाबा अपने कमरे से हाथ में कोई पुरानी सी किताब लिए बाहर आए। पुजारी बाबा हरिदेव के पास गए और अपना दायां हाथ उसके सर पर रखा और अपनी आंखें बंद कुछ ध्यान लगाने लगे। कुछ ही सेकेंड्स बाद पुजारी बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, तुम पर एक चुड़ैल का साया है। ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है लेकिन चालाक भी है। जैसे ही तुम मंदिर के अंदर दर्शन करने अपनी माँ के साथ आए, चुड़ैल ने तुम्हारे अंदर से निकल पास के ही पेड़ पर जा बैठी। वह माँ का मक्खिया के प्रकोप से बच जाए और जैसे ही तुम दर्शन करके बाहर आए वो पुनः तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई। इसके बाद पुजारी बाबा ने हाथ में पकड़ी उस पुरानी सी किताब को खोला और जोर जोर से मंत्र उससे पढ़ने लगे। पलक झपकते ही हरिदेव की आंखें पीछे की तरफ पलट गई और वो छटपटाने लगा जैसे किसी ने गरम तेल और उसके कानों में उड़ेल दिया हो। हरिदेव किसी औरत की आवाज में चिल्लाते हुए बोलने लगा, मुझे अकेला छोड़ दो पुजारी, वरना तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं। पुजारी बाबा ने हरिदेव का सर पकड़ बोला, छोड़ दे इसको वरना मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा और तू कभी आजाद नहीं हो पाएगी। काफी देर मंत्रोच्चार और जूझते हुए एकदम से हरिदेव जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आग खुली तो हरिदेव ने अपने आप को अपने घर में पाया और पास ही बैठी काकू से होश में आता देख अपनी सास को बुला ला। हरिदेव थोड़ा परेशान और असमंजस में इधर उधर देखने लगा, फिर काकू से सहारा लेकर थोड़ा उठ के बैठा और एक गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मानो मेरे शरीर से कई किलो वजन उतर गया हो। लेकिन मैं माँ के साथ मंदिर में था, यहाँ तब कैसे आ गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। हरिदेव की माँ ने उसे कामाख्या देवी मंदिर की सारी बात बताई और यह भी बताया कि पूजा खत्म होने के बाद वह बेहोश हो गया था। पुजारी बाबा और कुछ लोगों के सहारे वो हरिदेव को टैक्सी से यहाँ तक लाई। अब उस चुड़ैल का साया खत्म हो गया है, पुजारी बाबा ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब हरिदेव अपने खेत पे काम करने जाता है लेकिन अकेला नहीं, और रात होने से पहले वो घर वापस भी आ जाता है। लेकिन आज भी खेत पर काम करते समय उसे ये एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।